बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त बैक टू बैक मूवीज लाने वाले हैं अपने फैंस के लिए, जिसके चलते उनके फैंस जो हैं काफी ज्यादा खुश हैं। तो संजय दत्त की जो प्रस्थानम है वो ऑलरेडी सिनेमा घरों में लग चुकी है 20 सितंबर से। और अगर हम बात करें संजय दत्त की आने वाली फिल्म्स की तो उनमें से पानीपत, शमशेर और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। केजीएफ चैप्टर 2 की बात करें तो रिसेंटली संजय दत्त ने इस फिल्म के लिए जो है शूटिंग स्टार्ट कर दी है। इस फिल्म की शूटिंग जो है संजय दत्त ने हैदराबाद में स्टार्ट की है और उस फिल्म में वो निभाने वाले हैं अधीरा का कैरेक्टर, यानी साउथ के सुपरस्टार यश का सामना होने वाला है बॉलीवुड के बाबा यानी संजय दत्त के साथ। पिछली फिल्म में केजीएफ में तो यश यानी रॉकी ही छाए हुए थे। अब देखना ये होगा कि इस फिल्म में जो है संजय दत्त का सामना कैसे करते हैं यश, और कितना डिफिकल्ट रहता है इन दोनों को एक दूसरे का सामना करना, और कितनी बड़ी टक्कर देते हैं अधीरा यानी संजय दत्त यश को। वहीं अगर हम बात करें संजय दत्त की आने वाली फिल्मों की तो शमशेरा भी उनमें से एक है। ये दोनों फिल्में जो है क्लैश कर सकती हैं, यानी जो केजीएफ चैप्टर 2 है वो जुलाई के आखिरी वीक में रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही है। वहीं शमशेरा भी 31 जुलाई 2020 को रिलीज होने वाली है। शमशेरा फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में संजय दत्त के साथ साथ रणबीर कपूर और वाणी कपूर भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं करण मल्होत्रा और यशराज फिल्म्स इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये दोनों फिल्में आपस में क्लैश करती हैं या नहीं, केजीएफ चैप्टर 2 कब रिलीज होती है, और अगर ये फिल्में क्लैश करती हैं तो संजय दत्त के फैंस का क्या रिएक्शन रहता है और कौन से फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है।